आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ M2 Mac Mini परचेस करके विथ एजुकेशन डिस्काउंट, जिसका प्राइस मुझे पड़ने वाला है 49,900 रुपीज़। लेकिन साथ में मुझे AirPods 4 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसका प्राइस है 12,900 रुपीज़, जो कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट को विदाउट एजुकेशन डिस्काउंट परचेस किया जाए तो मुझे इसका प्राइस पड़ने वाला है 59,900 रुपीज़, लेकिन साथ में मुझे कोई भी AirPods फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे। वहीं एजुकेशन डिस्काउंट के साथ इसका प्राइस कुछ इतना है और साथ में मुझे AirPods 4 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो एजुकेशन डिस्काउंट लेने के लिए हमें क्या करना होगा? अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं चेकआउट में, तो यहाँ पर कहेगा आपसे आप UNiDAYS के थ्रू वेरीफाई कीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर आप कोई कॉलेज स्टाफ हैं, तभी आपको ये ऑफ़र मिल सकता है। जैसे ही आप UNiDAYS का अकाउंट वेरीफाई कर लोगे तो आपका UNiDAYS अकाउंट कुछ इस तरीके से शो करेगा। अगर हम यहाँ पर जाते हैं माई अकाउंट में, UNiDAYS ID में क्लिक करते हैं, तो आपका अकाउंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेरीफाइड शो करेगा। अगर आप एक्चुअली स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर कॉलेज स्टाफ हैं, तो आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेरीफाइड शो करेगा। कैसे वेरीफाई करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एंड में मिल जाएगा। मान के चलो कि आप एक स्टूडेंट नहीं हो, ना ही टीचर हो और ना ही कॉलेज स्टाफ हो, और आप अपना UNiDAYS का अकाउंट वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं ताकि आपको ये ऑफ़र मिले? इसके लिए मैंने एक कम्प्लीट डिकोड मेथड बनाया है, जिसकी मदद से आप विदाउट एनी प्रूफ अपना UNiDAYS का अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल में अगर सर्च करेंगे मेरे चैनल का नाम, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करोगे आवर मेथड्स या फिर करोगे नीचे स्क्रॉल, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगे आपको डिकोड मेथड्स। आप यहाँ पर क्लिक करोगे बाय नाउ में, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर नेम एंटर करोगे, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद पेमेंट करोगे, तो आपको यह मेथड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अनलिमिटेड UNiDAYS का अकाउंट बना सकते हो विदाउट एनी प्रूफ। एक्चुअली में क्या है कि हमने इस मेथड के अंदर सिखाया किस तरीके से आप आईडी कार्ड बना सकते हो, जो आईडी कार्ड UNiDAYS में एक्सेप्ट होते हैं। जब आपके पास अनलिमिटेड आईडी कार्ड होगा तो आप अनलिमिटेड UNiDAYS का अकाउंट बना सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको चाहिए एक ही UNiDAYS का अकाउंट, आपको मेथड वगैरह नहीं परचेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा UNiDAYS का एक अकाउंट, जितना यहाँ पर मेथड का प्राइस है उसी प्राइस में आपको मिल जाएगा एक अकाउंट। लेकिन अगर आप एक वाकई स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर कॉलेज स्टाफ हो, तो आप आसानी से UNiDAYS का अकाउंट वेरीफाइड कर सकते हो। वो कैसे करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एंड में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको परचेस करके दिखाता हूँ विथ एजुकेशन डिस्काउंट। आपको क्या करना है, पहले UNiDAYS का अकाउंट बनाओगे, देन अपना जीवन आईडी यहाँ पर लॉगिन कर लोगे, UNiDAYS का अकाउंट को लॉगिन कर लोगे और यहाँ पर आकर सर्च करोगे एप्पल स्टोर, फिर करोगे एंटर, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो एप्पल स्टोर, या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ़र 2024। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट एजुकेशन स्टोर में आ जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं सेकंड तरीका, यहाँ से करते हैं इसे बैक, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और करेंगे हम नीचे स्क्रॉल, कुछ इस तरीके से करते जाएंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाओगे। आप एजुकेशन डिस्काउंट के साथ क्या क्या परचेस कर सकते हैं, मैक और आईपैड। आपको मैक के साथ मिलेगा एयरपॉड्स और आईपैड के साथ आपको मिलेगा एप्पल पेंसिल। एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आईपैड में, तो आपको आईपैड प्रो, आईपैड एयर, आईपैड, आईपैड मिनी, इन सभी के साथ एप्पल पेंसिल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा और ये ऑफ़र 30 सितंबर तक वैलिड है। वहीं अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो मैक में, तो आपको यहाँ पर ये सारे चीज़ देखने को मिल जाएंगे, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, आई मैक, मैक मिनी, मैक स्टूडियो, मैक प्रो और भी यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। आपको इन सभी प्रोडक्ट के साथ एयरपॉड्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ परचेस करके मैक मिनी। यहाँ पर क्लिक करेंगे मैक मिनी में, आप यहाँ पर क्लिक करोगे बाई, फिर करोगे नीचे स्क्रॉल, कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपने हिसाब से वेरिएंट चूज़ कर लोगे। हम यहाँ पर चूज़ करने वाले हैं मैक मिनी M2, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट। आप चाहो तो यहाँ पर रैम को अपग्रेड कर सकते हो, जिसके लिए आपको 18,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे।
हम नहीं चाहते हैं कि इसे अपग्रेड करें, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 8GB रैम के अंदर। देन करेंगे यहाँ पर क्लिक कंटिन्यू। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू, और आपको यहाँ पर ध्यान से सेलेक्ट करना होगा AirPods 4। यहाँ पर रहेगा आपका आउट ऑफ ऑफ़र, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है AirPods 4, जिसका प्राइस मुझे 1 रुपये पे नहीं करना होगा। वहीं अगर आप इसको लेना चाहते हो AirPods 4 विथ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, तो इसके लिए आपको 5000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको 12000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे, लेकिन मैं तो चाहता हूँ फ्री वाला ही। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड टू बैग। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिव्यू बैग। इसके बाद करोगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर आपको देख लेना है AirPods 4 ऐड हुआ है कि नहीं, आपको इस चीज़ को देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर और एक फीचर है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका नेम प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड में, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर इमोजी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इसे क्लिक करते हैं तो ये इमोजी प्रिंट हो जाएगा, या फिर आप अपना नेम प्रिंट कर सकते हो। एग्जाम्पल हम प्रिंट करने वाले हैं इस नेम को। जब ये AirPods मेरे पास आएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नेम प्रिंट रहेगा मेरा। आप अपने हिसाब से जो प्रिंट करना चाहते हैं उसको प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप इसे नहीं भी करा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम, आप इसे यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। देन करेंगे यहाँ पर चेकआउट। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई विद UNiDAYS नाउ। आपके यहाँ पर अगर UNiDAYS लॉगिन होगा तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा, आपको बस यहाँ पर वेट करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएंगे। अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो एप्पल आईडी के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे कंटिन्यू एज गेस्ट। इस पेज में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले चेंज करोगे अपना पिन कोड यानी कि जिप कोड, देन यहाँ पर क्लिक करोगे अप्लाई, तो ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर दी जाएगा आपका मैक मिनी, करोगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर रहेगा आपका डिलीवरी डेट, और फिर करोगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर रहेगा आपका AirPods का डिलीवरी डेट, कब ये डिलीवर होगा। देन यहाँ पे क्लिक करोगे कंटिन्यू टू शिपिंग एड्रेस, यहाँ पर टैप करोगे अपना फर्स्ट नेम, देन यहाँ पर टैप करोगे अपना लास्ट नेम, यहाँ पर टैप करोगे अपना एड्रेस, देन यहाँ पर एड्रेस लाइन टू को आप फिल कर सकते हो या फिर इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क, लैंडमार्क में आप कुछ टाइप कर सकते हो या फिर इसे ऑप्शनल छोड़ सकते हो, लेकिन आपको लैंडमार्क टाइप कर देना चाहिए। देन करोगे नीचे स्क्रॉल, कुछ इस तरीके से करते जाओगे। इसके बाद आप चाहो तो इसे टिक मार्क कर सकते हो, हम इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे अपना ईमेल आईडी, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे अपना मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ध्यान से फिल करना है, क्योंकि डिलीवर होने का टाइम इसी में OTP जाएगा, तभी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। और करेंगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर कर लोगे, जिसकी मदद से आपको प्रोडक्ट का शिपिंग अपडेट मिलते रहेगा, इसलिए आपको इसे टाइप कर देना चाहिए। देन यहाँ पर क्लिक करोगे कंटिन्यू टू पेमेंट, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएंगे। आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से, या फिर करोगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर मिल जाएगा आपको नेट बैंकिंग, UPI, कैश ऑन डिलीवरी, डिजिटल पेमेंट ऑन डिलीवरी। आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं पेमेंट करने के, या फिर आप EMI भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड EMI, डेबिट कार्ड EMI। हम यहाँ पर चूज़ करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट ऑन डिलीवरी। इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे रिव्यू योर ऑर्डर, देन आप इस पेज में आ जाओगे, करोगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से करते जाओगे। यहाँ पर रहेगा आपका डिलीवरी एड्रेस, किस एड्रेस में यह डिलीवर होगा। यहाँ पर रहेगा आपका पेमेंट मेथड, पे ऑन डिलीवरी, करेंगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से करते जाएंगे, इसे करेंगे एग्री, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेस योर ऑर्डर। तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पर रहेगा आपका ईमेल एड्रेस, जिसमें जाएगा आपका अपडेट, और यहाँ पर रहेगा आपका ऑर्डर नंबर। इसके बाद अगर आप करते हो नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर रहेगा आपका मेक, कब डिलीवर होगा, 16 सितंबर को। करेंगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर रहेगा आपका AirPods 4, ये कब डिलीवर होगा, 23 सितंबर को। वो सभी डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। प्रोडक्ट ट्रैक करने के लिए आपको ट्रैकिंग आईडी आपके जीमेल आईडी पर मिल जाएगा, या फिर हम एक वीडियो बना देंगे किस तरीके से आप अपना
प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, वो शिफ्ट हुआ है कि नहीं, कहाँ तक पहुँचा है और कब डिलीवर होने वाला है। सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।